हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए मफलर का एक और डिज़ाइन जो कि बहुत ही आसान है और बिगनेस भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं तो इस डिज़ाइन को हम डाइगनल गाटर स्टिच इसको बोलते हैं इसको हम एक फंदे से बनाना स्टार्ट करेंगे और एक फंदे से बनाते हुए हम इस पूरे मफलर को कम्प्लीट करेंगे तो बहुत आसान है ये दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगता है बनाना बहुत आसान है तो कैसे बनाएंगे हम इसे वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ में वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जैसे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा चलिए फिर देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे तो इसे बनाने के लिए मैं ये ओस की थ्री प्लाई वोल यूज कर रही हूँ और इसका जो नंबर है वो है सिक्स वन सिक्स सेवन प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है और निडल मैं इसके लिए ले रही हूँ आठ नंबर की ठीक है तो अगर आपके पास आठ नंबर की निडल नहीं है तो आप नाइन नंबर की निडल ले सकते हो बाकी अगर आपको कोई और निडल लेनी है तो आप जिस वूल से भी बना रहे हो उससे आप थोड़ा सा पहले बना करके देख लीजिएगा फिर जितनी भी सॉफ्टनेस आपको चाहिए उस हिसाब से आप निडल ले सकते हो तो इस वूल का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनता है तो पहले थोड़ा सा धागा हम छोड़ लेंगे और हम एक फंदा नीडल में डालेंगे एक फंदे से हमें यह पूरा मफलर बनाना है अब क्या करेंगे देखिएगा एक फंदे के हम दो बनाएंगे और इस पैटर्न को हम सीधा सीधा बनाएंगे मतलब दोनों साइड से हमें इसे सीधा ही बुनना है तो एक फंदे के हम दो कैसे बनाएंगे देखिए पहले हम इस फंदे को आगे की तरफ से बुनेंगे और फिर हम इसी फंदे को पीछे की तरफ से बुनेंगे मतलब बैक लूप से पहले फ्रंट लूप से बुनना है फिर बैक लूप से दो फंदे हो गए अब आएंगे हम नेक्स्ट रो में अब फिर से हम क्या करेंगे पहले वाले फंदे को पहले फ्रंट लूप से बुनेंगे फिर बैक लूप से बुनेंगे और सेकंड फंदे को हम सिंपल सीधा बुनेंगे आप नेक्स्ट रो में आएंगे तो फिर से हम क्या करेंगे पहले फंदे को पहले फ्रंट लूप से बुनेंगे फिर बैक लूप से बुनेंगे तो क्या हो रहा है यहां पर यहां पर हमारे दोनों साइड से फंदे बढ़ रहे हैं देखिए जब भी हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो पहले फंदे को हमें बढ़ा लेना है पहले हम इसे फ्रंट लूप से बुनेंगे सीधा करके फिर बैक लूप से बुनेंगे सीधा करके तो एक फंदा हमारा यहां पे बढ़ता चला जाएगा आप फिर से नेक्स्ट रो में आ गए आप फिर से ऐसे करेंगे पहले फ्रंट लूप से बुनेंगे फिर बैक लूप से ऐसे हमें जब तक करते जाना है जब तक हमें अपनी मनचाही ही विर्थ ना मिल जाए तो इसकी व्यर्थ में रखूंगी सात इंच अगर आप मफलर बना रहे हो तो सात या आठ इंच व्यर्थ काफी रहती है लेकिन अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हो तो आपको इसे तब तक इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना है जब तक आपको इसकी व्यर्थ ना मिल जाए जितनी भी व्यर्थ आपको चाहिए उतनी व्यर्थ बनाने के बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी तो दोनों साइड से बढ़ाते हुए मैंने इसकी व्यर्थ को कर लिया है सात इंच अब ये दोनों साइड से सात इंच है तो आप चाहो तो इसे इस तरीके से रख सकते हो और आप चाहो तो इसे इस तरह से रख सकते हो ठीक है तो दोनों साइड एक जैसी हैं लेकिन हम किसी भी एक साइड को सीधा समझ के उसके ऊपर मार्कर लगा लेंगे ऐसा हम इसलिए करेंगे जिससे कि एक साइड में हमें अब फंदों को घटाते हुए जाना है और एक साइड में बढ़ाते हुए जाना है जिससे कि हमारी निडल में जितने फंदे हैं उतने ही रहे तो इसको मैं व्यथ रखूंगी तो ये देखिएगा ये यहां पर सात इंच तैयार हो गया है तो सात इंच बना लेने के बाद यहां मेरे पास निडल में जो फंदे हैं वो मैं आपको बता देती हूं कितने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और एक ठीक है चौबीस जोड़े मतलब अड़तालीस फंदे और एक यानी कि फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन स्टिचेज़ मेरे पास यहाँ पर हैं तो आप जिस हिसाब से निडल लोगे और जितनी आप व्यर्थ रखोगे उस हिसाब से आपके फंदे हो सकते हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मेरे पास जो स्टिच आए हैं वो आए हैं फोर्टी नाइन ठीक है तो अब हम क्या करेंगे रो के स्टार्टिंग में हम फंदे को बढ़ाते हुए जाएंगे और इस रो के लास्ट में हम एक फंदे को घटाते हुए जाएंगे देखिएगा बढ़ाना हमें सेम है पहले फंदे में से हमें दो फंदे बनाने हैं, एक फ्रंट लूप से और एक बैक लूप से और पूरी रो को हम बना लेंगे वाइज देखिएगा रो के लास्ट में हमें दो फंदों का एक बना लेना है और बैक लूप से इस तरह से ठीक है तो अब यहां से घटते जाएंगे और यहां से बढ़ते जाएंगे तो हमारे फंदे जो है फोर्टी नाइन रहेंगे एंड तक और रॉन्ग साइड में रॉन्ग साइड हमें पूरी नीट वाइज बना लेनी है आप देखिएगा फिर से आगे हम राइट साइड में आप पहले फंदे में से हमें एक के दो बना लेने हैं और लास्ट में हमें दो फंदों का एक बना लेना है ठीक है सेम इसी तरीके से तो यहाँ पर मफलर की लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई है इसकी लेंथ मैंने रखी है फिफ्टी फाइव इंच ठीक है और लेंथ को हम नापेंगे ये अपर साइड से तो फिफ्टी फाइव लेंथ कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको इसी तरीके से घटाएंगे दोनों साइड से घटाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बढ़ाना शुरू किया था ठीक है तो ये हमारी सीधी साइड है सीधी साइड में हम एक एक फंदा दोनों साइड से पहले हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में हमने दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया और अब हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पर निडल में फंदे कितने हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और एक ठीक है तो फोर्टी नाइन स्टिचेस हमारे स्टार्टिंग में थे और अभी भी हमारे फोर्टी नाइन स्टिच हैं यहाँ पर अब हम अपर साइड से फंदे को घटाना शुरू करेंगे दो फंदों का हमें एक बनाना है और फ्रंट लूप से बनाना है ये देखिएगा इस तरह से फ्रंट लूप से हमने दो फंदों का एक बनाया और बाकी पूरी रो को हम बना लेंगे नेटवाइज और लास्ट में दो फंदों का हमें एक बनाना है तो दोनों साइड से हमें एक एक फंदा घटाते हुए जाना है ये आगे हम रो के लास्ट में और यहाँ पर इन दोनों फंदों को हमें ऐसे ही घटाना है जैसे कि हम स्टार्टिंग से घटाते हुए आ रहे हैं मतलब कि बैक लूप से और उल्टी साइड में हम पूरी रो को बना लेंगे वाइज यहां पर हमें कॉर्नर वाले पंदे को स्लिप नहीं करना है फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसे भी हमें नेट करना है अब हम फिर से आ गए सीधी साइड में तो जो हमारी अपर साइड है उस साइड से हम फ्रंट लूप से घटाएंगे इस तरह से दो फंदों का एक बनाएंगे फ्रंट लूप से और जो हमारी लोअर साइड है मतलब कि ये वाली यहाँ पर हम दो फंदों का एक बनाएंगे बैक लूप से ठीक है तो अब हम दोनों साइड से फंदे जब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास वापस से एक फंदा नहीं आ जाता तो दोनों साइड से हम घटाते रहेंगे इसी तरह से और एक फंदा बना लेंगे हम तो ये देखिए ये दोनों साइड से फंदे घटाते हुए हम एक फंदे की तरफ आ गए ये हमारी अपर साइड थी जो कि लेंथ कंप्लीट होने के बाद फिर हमने एक एक फंदा फ्रंट लूप से घटाना शुरू किया और ये हमारा स्टार्टिंग से जो है ये हमारा बैक लूप से घटता चला आ रहा था ठीक है तो यहाँ पर एंड में एक बार फिर से देख लीजिए ये जो है राइट साइड में ये दो फंदे हमें फ्रंट लूप से घटाने हैं और लास्ट वाले दो फंदे बैक लूप से अब तीन फंदे रह गए हमारे पास रॉन्ग साइड हमें सीधी बुन लेनी है तीनों फंदे हमें नेट वाइज बुन लेने हैं। और राइट साइड में देखिए पहले दो फंदों को फ्रंट लूप से बुन लेंगे और अब ये हमारा लास्ट में एक फंदा बचा इसको हम बुनेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे तो ये हमारे सारे फंदे घट गए हैं ये देखिएगा अब हम इसे थ्रेड को थोड़ा सा लंबा करके कट कर लेंगे फिनिशिंग के लिए और इस लूप में से निकाल देंगे तो ये मफलर हमारा कंप्लीट हो गया है तो अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे ये देखिए ये धागा हम थोड़ा सा जो लंबा रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं ताकि इससे फिनिशिंग के काम आता है ये धागा अब क्या करेंगे देखिए अब हम इसको अंदर अंदर से ये देखिए जो हमारा ये गार्टर स्टिच है यहाँ से इसको पहले हम इस तरह से अंदर लेके जाएंगे और अब जिस तरह से गार्ट स्टिच हमारा बना हुआ है उसी तरीके से हम इसको ऊपर की साइड में लेके जाएंगे ये देखिए पहले हम यहाँ से फर्स्ट रो में आए अब फर्स्ट रो से हम सेकेंड रो में आएंगे ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जिस तरह से भी हमारा ये स्टिच बना हुआ है उसके अंदर हम इस तरीके से धागे को छुपाते जाएंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैं जितने भी मफलर बनाती हूँ उसकी फिनिशिंग आपको ज़रूर बताती हूँ कैसे करनी है यहाँ तक आने के बाद अब हम नेक्स्ट रो में आ जाएँगे इस तरह से थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएंगे धागे को और फिर कट कर देंगे जहाँ तक आसानी से हम इसको कर सकते हैं वहाँ तक कर लेंगे और अब हम इसको कट कर देंगे ये देखिए ये हमारा कॉर्नर जो है वो बन गया फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मफलर में मैं टेसल्स नहीं लगा रही हूँ अगर आपको टेसल्स बनाने हैं तो मैंने बहुत तरीके के टेसल्स जो हैं वो अपने चैनल पे बनाने बताए हुए हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वहाँ से देख करके आप टेसल्स बना लीजिएगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय